हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्कशीट फिफ्टी सेवन द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मोमेंट्स नीचे जो है पैसेज दे रखा है आपकी मोमेंट्स बुक के हैप्पी प्रिंस चैप्टर का रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज आपको इसे पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं इट इज ए स्टोरी ऑफ ए प्रिंस हैप्पी प्रिंस कहानी है एक प्रिंस की हु वॉज़ गोल्डे हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिट नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ उसे हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी दुःख और दर्द नहीं देखे थे ही स्ट्रेट प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अ लाइफ जब वो जिंदा था तब वो हमेशा सुरक्षित और खुश रहता था बट नाउ वेन ही वज सेटअप एट ए स्टैचू एट ए हायर प्लेस लेकिन जब वो मर गया था तो उसे जो है एक ऊँचे स्थान पर स्टैचू बना दी गई हैप्पी प्रिंस की ही कुड विटनेस दिजरे एंड अगली ट्रुथ ऑ ऑफ लाइफ तब उसे दिखाई दी दि, जीवन की जो अगली ट्रूथ थी जो दुख भरे लोग थे वो दिखाई दिए ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ दिस सिटी ही फेल्ट बैड एंड wanted टू हेल्प पीपल ऑफ his सिटी उसे बुरा लगा और वो सिटी के लोगों की हेल्प करना चाहता था जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी ही डिसाइडेड टू हेल्प them with हिज गोल्ड leaves एंड प्रीशियस फायर्स एंड रूबी उसने निश्चय किया जो उसकी बॉडी जो गोल्ड से बनी हुई थी उसे देने का और जो प्रीशियस सफायर्स और रूबी थे उसके आइज़ में और हैंड में उनसे वो गरीब लोगों की हेल्प करना चाहता था स्वेलो वॉज पासिंग बाई वहाँ से एक स्वेलो बर्ड जो है गुजर रहा था गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड अपने दोस्तों से मिलने वो इजिप्ट जा रहा था बट ऑन द वे इट्स स्टॉप फॉर ए वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टेचू वो वहाँ पर रुका कुछ समय के लिए स्टैचू के नीचे आराम करने के लिए द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट प्रिंस ने उसके रिक्वेस्ट की कि आज रात वो रुक जाए एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नेडी और जो उसकी हेल्प करे जो गरीब लोग हैं और आवश्यकता में है उनकी हेल्प करने में ही टोल द स्वेलो टू गिव द सिमेस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हेल्ट ऑफ इज स्वॉर्ड उसने कहा कि वो उसके स्वॉर्ड से रूबी निकाले उसके हेल्ट से और वो उस दर्जिन कोस को दे वन ऑफ द रेयर सफायर फ्रॉम इथ आईज टू द्ले राइट और जो उसकी आँख में कीमती नीलम है उसको प्ले राइट को दे एंड दर आई फॉर द मैच गर्ल और जो दूसरी आँख में सफायर वो मैच गर्ल को दे नाउ वैन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज और प्रिंस के पास कोई आँखें नहीं थी द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम तो स्वेलो ने कहा कि वो हमेशा उसके पास ही रहेगा द प्रिंस का आस्क इट टू लिव प्रिंस ने कहा वो चला जाए वहाँ से बट द स्वेलो डी डन लेकिन स्वेलोन नहीं गया द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर फिर प्रिंस ने उसकी रिक्वेस्ट की यू टेल म्यू ऑफ मार्वलस थिंग बट मोर मारवलस दैन एनी थिंग इज एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वेमेन मुझे तुम कोई मार्बलस चीज़ के बारे में बताओ ज़्यादा मारबल्स नहीं कि आदमी और औरत के दुखों के बारे में नहीं देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी प्रिंस ने कहा कि मिजरी जो है वो भी एक मिस्ट्री की तरह ही है आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड मैं सोने से जो है कवर्ड हूँ सेट द प्रिंस प्रिंस ने कहा यू मस्ट टेक इट ऑफ लिव बाई लिव एंड गिव इट टू द पुअर मुझे तुम कुरच कुरच कर मेरे जो गोल्ड है उसको निकालो और इसे गरीबों को दे दो द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी क्योंकि जो इंसान है वो सोचते हैं कि जो गोल्ड है जो पैसे है, उनसे हैं उनसे खुशी खरीदी जा सकती है उससे हम खुश रह सकते हैं एंड द स्वेलो डिट द सेम और स्वेलो ने वही किया वेरी सुन स्नो केम फॉलोड बाई द फ्रस्ट फ्रोस्ट एंड स्वेलो डाइट अब जो है स्नो के बाद फ्रोस्ट आ गई ज़्यादा ठंड हो गई और स्वेलो जो है ठंड के मारे मर गया बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव वो जिंदा नहीं रह सका इट बिंग टू कोल्ड इतना ठंड था इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट उसकी मौत से स्वेलो की मौत से प्रिंस का दिल टूट गया नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुकड सैबी अब वो सैबी दिखाई देने लगी गंदी दिखाई देने लगी क्योंकि उसके सोना था वो कुर्च दिया था उसने गरीबों की हेल्प करने के लिए तो मेयर ने और टाउन काउंसिलर ने कहा कि इस स्टैचू को गिरा दिया जाए दे मेल्टेड द स्टैचू उन्होंने स्टैचू को मेल्ट किया बट कु मेल्ट द लेडन हार्ट लेकिन जो उसके शीशे का दिल था उसमें मेल्ट नहीं हुआ वन डे गोड आस्क वन ऑफ इज एंजल टू ब्रिंक टू प्रीशियस थिंग्स फ्राम द अर्थ भगवान ने अपने एंजल से कहा कि वो अर्थ से कोई दो बेसकीमती चीज़ ले, ले, ले कर आए प्रीशियस थिंग्स लेकर आए द एंजल ब्रोट द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डैड स्वेलो और वह एंजल क्या लेकर आया उस हैप्पी प्रिंस का उस शीशे का दिल और वो मरा हुआ स्वेलो वो बड़े प्रीशियस थे ओके नो क्वेश्चन नंबर वन हैप्पी प्रिंस वॉज कार्ल हैप्पी प्रिंस बिकॉज़ हिज नेम वॉज हैप्पी उसका नाम हैप्पी था इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहा गया था द स्टैचू हैड ए स्माइलिंग फेस स्टैचू का स्माइलिंग फेस था इसलिए हीज ही वॉन्टेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाई दैट नेम वो चाहता था कि उसके लोग उसे हैप्पी प्रिंस से जाने ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रुथ ऑ ऑफ लाइफ यस डी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसे जीवन की रियालिटी जो अगली और जो सत्यता थी उसके बारे में उसको नहीं पता था तो वो उस समय हैप्पी था इसलिए उसका नाम था हैप्पी प्रिंस तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ न सेकेंड क्वेश्चन द स्वेलो स्टेट बैक एज इशवास्ट स्वेलो वहीं पर रुका क्यों सेल्फिश था इसलिए काइंड हार्टेड था इसलिए नीडी था इसलिए ए मैसेंजर था इसलिए यस yes, तो काइंड हार्टेड था क्योंकि जब उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखें भी नहीं हैं बॉडी भी वो क्रिच दी गई है तो अब वो जो है उसके हेल्प करने के लिए वो वहाँ पर रुका स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास तो स्वेलो क्या था काइंड हार्टेड नव थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग सफरिंग होता है दुख तो आपको बताना है कि कौन से वर्ड का मतलब सफरिंग से रिलेटेड नहीं है मतलब सफरिंग का सिनोनिम्स नहीं है ग्रीफ ग्रीफ दुख जो है वो सफरिंग ही होते हैं डिस्ट्रेस भी सफरिंग होता है यस डिलाइट डिलाइट होती है खुशी हैप्पीनेस तो इसका डिलाइट आंसर है हार्ट अटैक भी जो है दुखी होता है जो दर्द होता है तो इसका आंसर है सी डिलाइट नाउ फोर्थ क्वेश्चन हाउ मैनी प्रीसियस जेवल्स डिड द स्टैचू हैव स्टैचू के पास कौन कौन से बेस कीमती जेवल्स थे आभूषण थे एंड होम डिड ही गिव देम टू और उसने उनको किसे दिया तो उसके पास क्या क्या थे आपने देखा ना सफायर था उसके पास रूबी था तो ये देखिए द स्टैचू है थ्री प्रीसी जेवल्स वन रूबी एंड टू सफायर्स एक रूबी थी उसकी जो सुर्ट के हिल्ट में और सफायर्स थी उसकी आईज बनी हुई थी सफ़ायर से

स्वेलो ने लास्ट में क्या किया और उसके साथ क्या हुआ आपको पता है ना स्वेलो ठंड के कारण मर गया था और उसने जो है ये देखिए द स्वेलो डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल थ्रू द हैप्पी प्रिंस स्वेलो ने क्या डिसाइड किया था कि हैप्पी प्रिंस की हेल्प करना लोगों हैप्पी प्रिंस की उसने हेल्प की लोगों की हेल्प करके ही स्टेड देयर फॉर मैनी डेज वो वहाँ पर कई दिनों तक रुका इन द एंड द स्वेलो डाइट डू टू फ्रोस्ट इन द विंटर वो लास्ट में वो मर गया ठंड के कारण क्योंकि ज्यादा ठंड हो गई थी फ्रोस्ट हो गया था ओके नव क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी जो इंसान है वो हमेशा सोचते हैं कि सोने से खुशी खरीदी जा सकती है पैसों से डू यू एग्री विद दिस लाइन क्या आप इस लाइन से सहमत है वाई और वाई नोट तो ये देखिए ये देखिए यस मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी ज़्यादातर ऐसे ही सोचते हैं इंसान कि सोने से खुशी खरीदी जा सकती है बट हैप्पीनेस डोंट डिपेंड ऑन मेटरलिस्टिक थिंग्स लेकिन खुशी जो है मेटरलिस्टिक थिंग्स से नहीं मिलती है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम खुश हैं लव एंड काइंडनेस मेक सस मोर हैप्पियर दैन गोल्ड प्यार और काइंडनेस जो है वो हमें ज़्यादा खुशी देती है गोल्ड की बजाय ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन इज देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी से बड़ी मिस्ट्री कुछ नहीं हो सकती ये किसने कहा था प्रिंस ने कहा था वाई डिड द प्रिंस से सो प्रिंस ने ऐसा क्यों कहा तो ये देखिए द प्रिंस सेट देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी प्रिंस ने कहा था ना कि मिजरी से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं होती है बिकॉज द मिजरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मिजरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जटिल होती है एंड इज ए मिस्ट्री मिस्ट्री भी होती है एज वन नोज द रीजन ऑफ हिज आर सफरिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेज कि हमें दुख क्यों मिलते हैं किसी को इसका रीजन पता नहीं होता है इसलिए ये क्या है मिजरी क्या है एक मिस्ट्री है ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट व्हाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट टू हैप्पी प्रिंस एंड द डैड वेलो टू द गॉड आपके हिसाब से जो एंजल था गॉड ने एंजल्स भेजे थे कि धरती से दो प्रीसियस थिंग्स लेकर आए आओ और वो क्या लेकर आया एक हैप्पी प्रिंस का शीशे का दिल और दूसरा मरा हुआ स्वेलो क्यों ऐसा उसने क्यों किया तो ये देखिए द एंजल बोर्ड द लेडर हार्ट एंड डेड बर्ड टू पैराडाइज एज बोथ फॉर प्रीसियस क्यों क्योंकि वो दोनों प्रीसियस थे बहुत अ स्वेलो एंड हैप्पी प्रिंस व काइंड जेनरस एंड सेल्फलेस क्योंकि स्वेलो भी और हैप्पी प्रिंस दोनों क्या थे दयालु थे उदार थे और सेल्फलेस थे कोई स्वार्थ ही नहीं था द प्रिंस ऑलवेज केयर फॉर इटी प्रिंस हमेशा अपनी सिटी का ध्यान रखता था एंड कूड नॉट सी पीपल अनहेपी एंड एंड इन डिस्ट्रेस वो लोगों को दुखी और उदास नहीं देखना चाहता था ही गेव दैम गोल्ड एंड precious stones विद द हेल्प ऑफ स्वेलो उसने लोगों को गोल्ड दिया अपनी बॉडी का गोल्ड दिया और लोगों की हेल्प की स्टोन से स्फायर से टू मेक दैम हैप्पी उन्हें खुश करने के लिए द स्वेलो ऑल्सो sacrificed हिस्स ट्रिप टू इजिप्ट और स्वेलो ने भी अपनी इजिप्ट की ट्रिप जो है वो छोड़ दी एंड डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस और डिसाइड किया कि वो प्रिंस के पास ही रहेगा एंड वैन द स्वेलो डाइट और जब स्वेलो मरा द स्टैचू ऑल्सो लव हिम सो मच स्टैचू उसको इतना प्यार करती थी दैट इट्स हार्ट ब्रोक इन टू टू उसके दिल भी का भी दो हिस्सा हो गया जो लेडन का हार्ट था उसके भी टू पार्ट्स हो गई तो स्टूडेंट ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी थैंक यू हैव ए नाइस डे